Hello students, so we are going to start a new chapter, that is computer machine start and shutdown. Okay, so in this chapter we are going to go through these four topics, important topics. इनको हम पढ़ेंगे computer और machine, types of computers के बारे में जानेंगे, computer को कैसे start करना है, okay, and then shutting down a computer कैसे करते हैं इसे, and so without further delays let us start. So computer or machine, computer makes work easy to do. All machines have been made by humans. A computer is a very useful machine and we can listen to music, watch movies, play games, type, draw and solve sums with the help of a computer, and it needs electricity to work. So the computer is an electronic machine. Okay, so computer is not just a machine. Okay, computer is not just a machine, it is also an electronic machine. You have to remember this, it's an electronic machine. Okay, so and why, kyun ye electronic machine hai? Kyunki it needs electricity to work. Aur computer bahut kaam ki machine hai. सिर्फ यूँ ही नहीं कि बस ये सिर्फ बैंक या फिर हॉस्पिटल्स में काम आते हैं, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका काम है, जो डेली लाइफ में. ओके, सो लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग सबसे पहली बात है जो लेमैन है, जो जिसको कंप्यूटर से कोई काम नहीं है, काम इन द सेंस मतलब वो प्रोफेशनली उसको काम पे यूज़ नहीं कर रहा कंप्यूटर को, तो वो क्या कर सकता है, दैट ही कैन लिसन टू म्यूज़िक. दूसरी बात है कि वो मूवीज़ देख सकता है, फिल्म्स देख सकता है. ओके, एंड बिकॉज देखिए, और एक चीज़ है दैट इट हैज़ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस. पहले के ज़माने में जब भी कंप्यूटर्स आते थे, ज़्यादा स्पेस नहीं होता था, सो वी कैन नॉट, ऐसा होता था कि सिर्फ 12 GB. आई होप सबको मालूम है कि GB क्या है, और ये 12 भी कितना बड़ा नंबर है ये भी सबको मालूम होगा. 12 GB कुछ नहीं है. आजकल के इंटरनल्स में भी 64 GB तो मिनिमम, या 32 GB मिनिमम दिया जा रहा है. सो 12 GB इज नथिंग. और उस ज़माने में लाइक फॉर एग्जांपल 200 से लेके 2000, आई थिंक सो नॉट 2000 भी नहीं बोलूँगा, लाइक 2006 टू 2010 के अराउंड, वो एक ज़माना था जब 12 GB वॉज ऑल्सो अलॉट मोर. और वो एक ज़माना था जब और एक डिवाइस यूज होता था जो अभी ऑब्सोल्यूट हो गया है. ऑब्सोल्यूट क्या मतलब है कि अभी वो मार्केट से ख़त्म हो गया, एंड उसका नाम है फ्लॉपी डिस्क. ओके, फ्लॉपी डिस्क इट्स द कॉम्पोनेंट जो कि अभी ख़त्म हो चुका है, दैट इज़ एब्सोल्यूट फ्रॉम द मार्केट. इसके बदले में अभी CD आ गया है, और लिविंग अपार्ट फ्रॉम दैट CD अभी पेन ड्राइव है और इंटरनेट है, जहाँ पर हम लोग क्लाउड स्टोरेज पे भी हम लोग इंफॉर्मेशन रख सकते हैं. ओके, सो अभी उसका ज़माना भी ख़त्म हो गया. सो ये बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, एंड आई होप ये इंट्रोडक्शन काफ़ी है आगे समझने के लिए, कंप्यूटर्स तो कंप्यूटर्स को समझने के लिए. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. सो जब मैंने बता दिया कि इसमें म्यूज़िक वगैरह खेल सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, यू कैन टाइप, ड्रॉ, डू एनीथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट. ओके, सो इसमें फिर क्या है कि कंप्यूटर भी फिर अलग अलग तरह के आते हैं नाउ, एंड ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑल्सो. जो डेस्क पे रखा जाता है, जिसका अगर आपको दिख रहा है ऐसा ये पिक्चर में, लाइक यू कैन सी द स्क्रीन. ओके, ये डेस्कटॉप हो गया. ओके, ये पार्ट एक्चुअली डेस्कटॉप हो गया. ये तो मॉनिटर है, ठीक है, एम फॉर मॉनिटर, सी से CPU है, ठीक है, फिर कीबोर्ड है, फिर माउस है, फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर गाना सुनेंगे तो स्पीकर का ज़रूरत पड़ेगा, और भी चीज़ें हैं, है ना, कंप, और फिर UPS का भी ज़रूरत पड़ेगा, लाइक फॉर द, जिस तरह से TV में पहले ज़माने में, इवन आज के तारीख में कई जगह पर, अगर कहीं अगर घर के लिए अगर स्टेबलाइजर है, वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो TV के लिए आई डोंट थिंक अलग से आपको ज़रूरत पड़ेगा. बट एक समय था जब व्हेन द पावर यूज टू फ्लक्चुएट अ लॉट, जब बहुत ऊपर नीचे होता था पावर, तब
ज़रूरत पड़ता था स्टेबलाइजर, बट नॉट नाउ। एंड देन ये जो इस तरह के जो आते हैं, ओके, ब्रीफ केस जैसा, ये है लैपटॉप्स, ओके, एंड इसे हम अपने लैब्स में रख कर भी चला सकते हैं। एंड wherever you want to keep it, you can keep it, keep there and you can operate it. Okay, now moving on to next. So, और ये है पाम टॉप्स, जो कि जिसको अपने हाथ में रख कर यूज़ कर सकते हैं, ये पाम टॉप्स। बट अभी ना बहुत गिना चुना लोगों के हाथों में ये दिखता है। तो बहुत समय जब ये सेगमेंट जब मार्केट में लॉन्च हुआ था, सो बहुत कम लोगों ने इसे ख़रीदा था, बिकॉज पीपल वर नॉट डैट एडवांस्ड टू एम्प्रेस द टेक्नोलॉजी। उनको उतना अभी भी तो लोगों तक उतना पहुंचा नहीं है टेक्नोलॉजी, या फिर उनको अभी तक समझ नहीं आया है चीज़ों को इस्तेमाल करना। तो देखो उनका ख़रीदना भी वेस्ट ऑफ मनी था, सो देखो पीपल डिड नॉट बाय मच। ओके, सो अ लैपटॉप कैन बी कैरिड अराउंड बाई वन पर्सन, और उसमें बैटरी भी होता है, सो यू कैन यूज़ इट विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। एंड पाम टॉप लैपटॉप से भी छोटा है, ओके, एंड सभी को, इन सभी चीज़ों को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर्स कहते हैं। विद ये पर्सनल बिकॉज ये 1% के टाइम यूज होता है, एक साथ नहीं होता है। अब स्टार्टिंग एंड सेटिंग डाउन अ कंप्यूटर, ओके, सो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, लाइक फ्रीज वगैरह में क्या है, इधर आपने प्लग लिया, उसको स्विच पर लगाया, ऑन कर दिया, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट कंप्यूटर इज़ नॉट दैट ईजी टू, ओके, बट इट्स ईजी बट नॉट दैट ईजी, क्योंकि आपके इधर थोड़ा सा फ्रीज के मुकाबले थोड़ा सा तामझाम आपको, यू हैव टू डू। सो सबसे पहले क्या है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ डेस्कटॉप, तो क्या करना होगा, दैट आपको द सीपीयू एंड द मॉनिटर इज कनेक्टेड टू द यूपीएस, ओके। सो ये जो मॉनिटर होगा, इसका जो मॉनिटर है, ये इसके साथ यूपीएस के साथ कनेक्शन होगा, इसका जो कनेक्शन है। फिर सीपीयू का भी कनेक्शन इसके साथ होगा, फिर इसका एक जो डिस्प्ले का जो कनेक्शन होगा, ये सीपीयू के साथ होगा, ओके, और कीबोर्ड का कनेक्शन भी सीपीयू के साथ होगा, और माउस का, स्पीकर्स का, सभी चीज़ों का कनेक्शन सीपीयू के साथ होगा, और कनेक्शन यूपीएस के साथ, और एक जो कनेक्शन होगा वो भी मॉनिटर का यूपीएस के साथ होगा। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे, व्हेन वी विल स्विच ऑन द पावर सप्लाई, ओके, फिर यहाँ यूपीएस भी दिखाएगा कि ये ऑन हो गया। एंड देन फिर इसमें और एक बटन आता है जिसे आप पावर ऑन करते हो, जब आप यहाँ ऑन करोगे तो ये चार्ज मोड पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी ऑन द चार्ज मोड। तीन बत्ती होते हैं, एक लाल, एक वन इज़ रेड, ओके, यू हैव टू रिमेंबर, वन इज़ रेड एंड वन इज़ ग्रीन, ओके, एंड द थर्ड वन इज़ येल्लो, येल्लो इश ऑरेंज कुछ उस तरह से रहता है, येल्लो नहीं होता पूरा, इट्स बिट ऑफ ऑरेंज कलर जैसे रहता है वो, ओके। सो ये सब, ये जो रेड वाला होगा, रेड वन मीन्स वो अभी बैटरी कम हो गया है, यूपीएस का जो बैटरी वो कम हो गया। दूसरा चीज़ है कि जो ग्रीन अगर कलर रहेगा, तो ग्रीन कलर का मतलब है कि वो पावर ऑन है एंड वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। और फिर अगर येलो या फिर जो भी ऑरेंज कलर, येलो क्या बोलूँ मैं, येलो इज ऑरेंज, मतलब उस फॉर्म में रहता है जो कलर है, सो वो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब कि वो चार्ज से चल रहा है, ओके। सो फिर यूपीएस स्विच ऑन किया जाएगा, और उसके बाद यू विल स्विच ऑन द सीपीयू और फिर मॉनिटर बटन, और फिर ये आपका स्टार्ट हो गया, ओके। और फिर ये इस तरह का स्क्रीन आएगा, सो ये जो पहला स्क्रीन होता है, इसे हम लोग कहते हैं ये पूरा स्क्रीन, ये पूरा यहाँ से ये पूरा स्क्रीन, ये हो गया डेस्कटॉप, पूरा डेस्कटॉप है ये। और ये जो साइड में है, ये सब इसको हम लोग कहते हैं आइकन्स, ओके, इन्हें हम कहते हैं क्या, आइकन्स, ओके। एंड द लास्ट पार्ट इज द सेटिंग डाउन ऑफ अ कंप्यूटर। सेटिंग डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट डाउन करने के लिए यू हैव टू गो हियर स्टार्ट में, यहाँ जाने के बाद इस पोर्शन में, यहाँ आपको दिख रहा होगा शट डाउन, यहाँ पे फिर मैं इसको थोड़ा सा, आई विल, लेट मी जूम इट, ओके। सो यहाँ पर
इस पोर्शन में क्या है कि इसको क्लिक करने से ओके क्या होगा, फिर कुछ तीन मेन्यू आ सकते हैं और अलग अलग ओएस का अलग अलग रहा है, अलग अलग सिस्टम का अलग अलग रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी में रहता है कि टर्न ऑफ करने का रहता है, ओके सबसे पहले हो सकता है कि आपका शट डाउन हो, ओके शट डाउन, एंड देन नेक्स्ट हो सकता है आपका लॉग ऑफ होगा, पहले लॉग ऑफ ही आता था, एंड देन थर्ड वन इज स्लिप, ओके स्लैश हाइबरनेट ये भी होता था, बट नाउडेज अभी विंडोज 10 में स्लिप ही आ रहा है, ओके और फिर आप शट डाउन करते हैं, देन आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है, ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप उसके बाद आप सब शट डाउन हो जाएगा तो फिर आप UPS ऑफ कर देते हो, एंड इट मीन्स दैट द पूरा पावर सप्लाई जो है वो ऑफ हो गया, ओके ओके थैंक यू।